साहब और कहीं त्यात्ता टोपे उसे नेतृत्व दे रहे थे और कहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक चढ़ती है और यह पहली देश के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है जिसमें पूरा देश जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके भारत की स्वाधीनता के लिए एकजुट होकर के एक रोटी और कमल को चिन्ह मान करके आदर्श मान करके इस लड़ाई को लड़ रहा था और इसीलिए वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्र समर कहा था। जिसे अंग्रेज एक सामान्य विद्रोह मानते थे वह सामान्य विद्रोह नहीं था, वह भारत की आजादी का सामूहिक रूप से भारत की जनता का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत के युवाओं का, भारत के बुजुर्गों का, भारत की माताओं और बहनों का सामूहिक प्रयास प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में हम सबके सामने था और इसलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर में जो क्रांति की लौ फूटी थी वह गांव गांव में जाकर के एक एक नागरिक के मन में देश की स्वाधीनता के बारे में एक नया उत्साह एक नया उमंग प्रकाशित करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर की थी और देखते ही देखते सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता हुआ भारत मात्र 90 वर्ष के अंदर अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, आज हम लोग जब क्रांति दिवस के इस अवसर पर देश के अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है। मैं बैठा हुआ था अभी बाहर और जब मैं बाहर आपके साथ आंगन में था, इस फील्ड में था, तब मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल रहा था और श्री संजीव बालियान जी से भी कह रहा था कि देखिए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है कि इस सुहावने मौसम में हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का यह उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मेरठ का अपना महत्व है, बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर युगों युगों से एक नई भक्ति और शक्ति की धरा के रूप में जानी जाती रही है। मेरठ के इतिहास को हम देखते हैं महाभारत कालीन इतिहास और अगर हम उससे भी नीचे अगर हम इसका अध्ययन करें तो भारत का नाम भारत पड़ा तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही यह परंपरा आगे बढ़ पाई, मेरठ का नाम उसमें भी आगे बढ़ता है। हमारे पास तो इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, हमारा भूगोल भी हमें और पूरी दुनिया को भारत के इतिहास का एहसास कराता है और इतिहास की धरोहर हम सब के साथ जिस रूप में है उसे वो पहचान दिलाने का दायित्व भी हम सबका होना चाहिए और उसी पहचान को दिलाने के लिए आज मैं जब यहां पर आया था, मैं पिछले 4 घंटे से अधिक समय से मेरठ के ही विभिन्न योजना, पहले हम लोग शहीद स्मारक पर गए, विभिन्न अपने उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए उन्हें अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की, यहां के विकास की योजनाओं का भी हम लोगों ने अवलोकन किया। आज मेरठ अपने नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रही है। हम लोगों ने आज रैपिड रेल को भी देखा, रैपिड रेल का काम किस तेजी के साथ हो रहा है, देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली की दूरी को एकदम मिला देगी। यद्यपि 12 लेन का एक्सप्रेस वे
दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम कर चुका है। याद करिए, जब उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया होगा उस कालखंड में वो पैदल चले होंगे, लेकिन आज आपके पास 12 लेन का एक्सप्रेसवे है दिल्ली, 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। रैपिड रेल बनेगा, यह दूरी और भी कम हो जाएगी। आज मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जा रहा है। और यही नहीं, मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ के अंदर ही बना रहे हैं, और जिसका प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर शिलान्यास भी हो चुका है। कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है ये कि भारत माता के उन महान सपूतों ने भारत की आजादी के बाद जिस नए भारत का सपना देखा था, आज वो नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने छाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। ये भारत का पुराना इतिहास रहा है, विश्व मानवता पर जहां कहीं भी संकट आया है, विश्व मानवता के ऊपर उस संकट के समय में भारत हमेशा मानवता के पक्ष में खड़ा हुआ है, और विश्व मानवता कहीं भी अपनी धरती पर प्रताड़ित भी हुआ है उसे शरण देने का कार्य भारत की इस महान धरती ने सदैव किया है। इतिहास इस प्रकार के तमाम स्वर्ण अक्षरों से भरा पड़ा है। और आज भी जब आप दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहे होंगे, दुनिया तब भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी किस रूप में उसको नेतृत्व देते हुए दुनिया के अंदर शांति की बात करते हुए पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के युद्धों से कोई परिणाम नहीं आने वाला है, शांति के मार्ग पर ही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस वचन को आज पूरी दुनिया अंगीकार करती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, हमें इस नए भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का यही भाव ही है जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के कार्यों के माध्यम से, कृतित्व के माध्यम से आज देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में लोग विकास के बारे में सोचते थे कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बाधक है, एक बैरियर माना जाता था, देश के विकास का सबसे बड़ा बैरियर जिस उत्तर प्रदेश को समझा जाता था, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरठ की कनेक्टिविटी के बारे में 12 लेन का एक्सप्रेस वे तो बताया, रैपिड रेल का ही बताया, गंगा एक्सप्रेस वे भी आपकी पूरब की दूरी को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ता हुआ यह क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ते हुए देश के अंदर अग्रणी भूमिका के रूप में इस क्षेत्र को एक बार फिर से नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो भाइयों बहनों, हमें उस हर एक क्षेत्र में कार्य करना है जो आज की आवश्यकता बन चुकी है। जन आस्था का सम्मान करते हुए भी कैसे हम आपसी सम्मान और सौहार्द के साथ कार्यक्रम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश ने देश को दिखाया है। भी रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से, 25 करोड़ की आबादी शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मानजनक ढंग से इस आयोजन को मना सकती है, यह उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने, देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया।
हनुमत जयंती के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नजीर प्रस्तुत की और अनावश्यक माइक भी हड़ सकते हैं और उसके माध्यम से होने वाले शोरगुल को भी हम मिलकर के संवाद के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नया नमूना प्रस्तुत किया है और उत्तर प्रदेश ही है। संवाद के माध्यम से अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होगी बल्कि अपनी इबादत गांवों में ही होगी, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे, हमारी आस्था का सम्मान सरकार करेगी, सरकार सुविधाएं देंगी, लेकिन हम सामान्य नागरिक के आवागमन को बाधित नहीं होने देंगे। यह भी संकल्प उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी को लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की इस प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बनाएगा और भारत माता के उन महान सपूतों को जो सपना देखा था, शहीद मंगल पांडे ने जो सपना देखा था, गोपाल धन सिंह गुर्जर ने जो सपना देखा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो सपना देखा था, नाना साहब ने जो सपना देखा था, त्याता टोपे ने जो सपना देखा था, शहीद बंधु सिंह ने जो सपना देखा था, भारत माता के उन महान सपूतों ने जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भारत माता की आजादी के लिए, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस समय अपने आप को भारत माता के प्रति समर्पित किया था। आज हम सबकी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना में हर भारतीय मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर में स्वर मिलाकर के कार्य करता हुआ जब दिखाई देगा तो भाइयों बहनों भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई देगा। और आज पूरी दुनिया बड़ी आस भरी निगाहों से भारत को देख रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल के रूप में भारत की जनता को कहा है कि अमृत काल के महत्व को हमें समझना होगा। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है तो मतलब वह देश की आजादी के अमृत काल के उत्सव का सहभागी बनकर के भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। जो जिस क्षेत्र में है, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक क्षेत्र में, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, मान्य सांसद हैं, मान्य विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, निगम और बोर्डों के अध्यक्ष हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि है, किसान अपने क्षेत्र में, मजदूर श्रमिक अपने क्षेत्र में, युवा अपने क्षेत्र में, विद्यार्थी अपने क्षेत्र में, हर एक फील्ड का व्यक्ति अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो अमृत काल में भारत माता के प्रति उसकी सबसे बड़ी सेवा होगी। और यही संकल्प तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिलाया है कि अमृत काल के इन 25 वर्षों के कालखंड में हमें इतना कुछ कर देना है। 25 वर्ष का एक कार्यकाल एक नई पीढ़ी को एक नए युग के रूप में परिवर्तित करने का कार्यकाल होगा, एक नए भारत का कार्यकाल होगा। और वह भारत का कार्यकाल जब हम आजादी के शताब्दी महोत्सव को मना रहे होंगे, 100 साल देश की आजादी के हो रहे होंगे, तब उस समय की हमारी पीढ़ी कह सकती है कि हम एक ऐसे भारत के नागरिक हैं जो दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, जिसके सामने दुनिया नतमस्तक है। और मुझे लगता है भारत की 135 करोड़ जनता का यह संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होना चाहिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का यह संकल्प होना चाहिए कि हम अमृत महोत्सव के इस अवसर पर, आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में अमृत काल का उपयोग अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे स्तर पर जो भी प्रयास प्रारंभ हो सकते हैं उस प्रयास में हम सहभागी बने। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है
यहां पर एक साथ 67 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हुआ। मैंने ग्रामीण पुस्तकालय के कार्यक्रम को देखा है और मुझे लगता है हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसकी बड़ी सराहना की। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के उन सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने ग्रामीण पुस्तकालय की इस परिकल्पना को साकार करके ग्रामीण क्षेत्र का हमारा युवा भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने गांव में बैठ करके कर सकता है। ये लाइब्रेरी वहां पर उसके लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। और साथ साथ यहां पर हम लोगों ने भारत माता की आजादी के लिए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने योगदान दिया था उनके परिवार के सदस्यों को, मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के परिवार के कुछ सदस्यों को भी मंच, मैंने उनका शहीद स्मारक के पास भी और यहां पर भी मंच पर मुझे उनका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ और देश की आजादी के बाद भारत की आजादी को बनाए रखने के लिए देश की सेना में ला करके भारत की सेना को नेतृत्व देते हुए विभिन्न युद्धों में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले ऐसे सैन्य अधिकारियों को और शहीद परिवारों को भी आज इस मंच पर सम्मान किया गया है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। जिन परियोजनाओं का यहां पे आज शिलान्यास हुआ है समयबद्ध ढंग से वे परियोजनाएं आगे बढ़े और जिनका लोकार्पण हुआ है वे जनउपयोगी बन सके, लोक कल्याणकारी अभियान के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सके, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। मेरठ की क्रांति की यह धारा हमें भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ सीधे सीधे जोड़ती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जैसे 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर पूरे भारत ने मिलकर के लड़ा था, तब अंग्रेजों की जमीनों को और उनकी जड़ों को उखाड़ने में हमें मदद मिली थी, ऐसे ही जो लोग आज हम में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, हमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, हमें उनके उन मंसूबों को तोड़ना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा। तमाम ऐसे लोग जो आज भी गुलामी के कालखंड की ओर हमें धकेलने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा और वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास करते हुए एक नए भारत के उस मानचित्र को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। मैं एक बार फिर से क्रांति की इस धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा अवगढ़नाथ की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए, कोतवाल धन सिंह गुर्जर समेत उन सभी क्रांतिकारियों को 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया और उसके बाद देश की आजादी की लड़ाई में भी जिन ज्ञात अज्ञात बलिदानियों ने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, देश की आजादी के बाद देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया, भारत माता के ऐसे सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार की ओर से उन सबको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में भागीदार बने, आप सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के अमृत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आह्वान के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में सहभागी बने। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। देख रहे थे मेरठ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो आम जनता को संबोधित कर रहे थे। मेरठ नए कलेवर के रूप में सामने आया, ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर अपने संबोधन के दौरान कही। विक्टोरिया पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे
और मेरठ को लेकर उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया।